हमारे मुल्क में मुसलमान दलितों और बुद्धिस्टों से भी पसमानदा है। हालांकि माजी में हमारे इस्लाफ ने लाखों करोड़ रुपए माली अराजियात और जायदादें वक्फ कर दी थी ताकि आने वाली नस्ल इन अराजियात और जायदादों से इस्तेफादा कर सकें, दीनी व दुनियावी तालीम हासिल करें, तिजारती व कारोबारी शोबे में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकें। लेकिन मुल्क की आज़ादी के बाद पूरे मुल्क में मौकूफा जायदादों को मोतसबाना हुकूमतें और सियासी लीडरों ने जी खोल कर लूटा। जहाँ तक मौकूफा जायदादों की तबाही व बर्बादी का सवाल है, इसमें अपने और गैर सब शामिल हैं। रियासत तेलंगाना में 10 लाख करोड़ रुपए मालियती औकाफी जायदादें हैं, लेकिन इनमें से तकरीबन मौकूफा जायदादों पर कब्जे कर लिए गए हैं। हुक्मरानों, सियासतदानों, खुद साख्ता हमदर्दान मिल्लत व कायदीन मिल्लत भी वक्फ जायदादों के लूट खसोट में किसी से पीछे नहीं रहे हैं और इस तरफ तमाशा या हुकूमतों के एंडोमेंट डिपार्टमेंट के मुमासिल अलहदा वक्फ कमिश्नरेट बनाने से गुरेज किया। अगर वक्फ जायदादों का तहफ़ करते हुए इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो मुसलमान किसी हुक्मरान या हुकूमत के मोहताज नहीं रहेंगे। बहरहाल टीम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेव वक्फ प्रॉपर्टी तेलंगाना चैप्टर ने न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क में मौकूफा जायदादों के तहफ़ का बेड़ा उठाया है और इस मामले में मुल्क के मुमताज खानदान महमूद पराचा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की क्यादत में पहल शुरू की गई। चुनांचे 16 जुलाई इतवार की सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे दफ्तर सियासत के आबिद अली खान सैनिटरी हॉल में वक्फ दरबार रखा गया है, जिसमें मौकूफा जायदादों की तबाही व बर्बादी को लेकर फिक्रमंद शहरी महमूद पराचा से मुलाकात करके वक्फ से मुतालिक अपनी शिकायतों पर तबादला ख्याल कर सकते हैं। वक्फ दरबार में महमूद प्राचा के साथ रियासत तेलंगाना के 30 उकला का एक ग्रुप भी मौजूद रहेगा। इस खसूस में टीम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेव वक्फ प्रॉपर्टीज की मेंबर सारा मैथ्यू तफसीलात पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। आदाब, महमूद प्राचा साहब सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट 2 महीने से हैदराबाद आ रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज के सिलसिले में। उनके लास्ट विजिट पे बहुत सारे एंक्रोच वक्फ प्रॉपर्टीज़ के दौरा किए और बहुत सारे लोग उनसे मिले, कंप्लेंट्स करे, बात करे उनसे, जो भी वक्फ का जो लैंड ग्रीवेंसेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है। तो पराचा साहब अभी एक वक्फ दरबार इतवार को यानी परसों 16 जुलाई को कंडक्ट करने वाले हैं। वो आबिद अली खान सेंचुरी हॉल सियासत ऑफिस एपिड्स में 10 बजे से। तो अगर आपको कोई कंप्लेंट, शिकायत, अगर आपको इंसाफ, अगर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी के मामले में इंसाफ नहीं मिले या यू नो कोर्ट में केस चल रहा है, सालों से चल रहा है, या वक्फ बोर्ड से कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है आपको, तो आप ज़रूर आइएगा सियासत ऑफिस को परसों 10 बजे से। हाँ, 2 सेट डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा, क्योंकि पराचा साहब के साथ एक टीम ऑफ लॉयर्स है। वो ये डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, क्या करना है, वो स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे। तो इतवार 10 बजे से आबिद अली खान सेंटिनरी हॉल सियासत एपिक्स।